केटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ और उसके लिए हमें ये क्या सामान चाहिए, ये 2 किलो गाजर जो हमने धोकर कद्दूकस करके रख दी है, 1/2 किलो इसमें दूध चाहिए, 500 ग्राम दूध, थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब घी, देसी घी, 300-400 ग्राम इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी जो मर्जी ले सकते हैं, और ये छोटी 5-6 छोटी इलायची, और ये हमारा 150 ग्राम खोया है, ये आपकी इच्छा आप ले सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने अखरोट लिए हैं, आप बादाम पिस्ता कुछ भी जो भी डालना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स लीजिए। अब देखिए हम बनाना शुरू करते हैं। घी हमने डाल दिया है इसमें देसी घी में पैन में, और अब देखिए हम इसमें गाजर मिक्स करेंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमेशा घी का ही प्रयोग करते हैं, इसको तेल रिफाइंड में किसी में नहीं बनाते। देखिए हमने सारी गाजरें मिक्स हो गई है, अब इसको कम से कम 15-20 मिनट तक ऐसे ही हम इसको पकाते रहेंगे। भूनते हुए अब इसमें जो हमने 1/2 किलो दूध था वो डालेंगे। अगर आप दूध की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये 1/2 किलो हम इसमें दूध डाल देंगे। अब दूध डाल के हम इसको मिक्स करके ढक के कम से कम 20-25 मिनट, जब तक ये इसका दूध सूख जाता है, जब तक इसको हम पकाते रहेंगे। देखिए इसको 25 मिनट हो गए हैं, हमारा दूध तकरीबन सूख गया है, और इसके बाद हम इसमें जो हमने चीनी ली थी, आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज्यादा जैसे भी अपने अकाउंट, आप कम खाते हैं तो कम डालिए, ज्यादा खाते हैं तो, ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो चीनी को कम भी कर सकते हैं। अब पानी सूखने तक हम इसको फिर 15-20 मिनट फिर पकाएंगे। देखिए ये अब चीनी ने पानी छोड़ दिया है, अब इसको 20 मिनट के लिए हम, और जब तक इसका पानी सूख ना जाए, जब तक हम इसको बनाते रहेंगे, और गैस हमें तेज रखनी है इससे ये जल्दी बने। मिनट हो गए हैं इसको, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर इसमें डालिए, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। आप फिर इसको मिक्स करिए 5 मिनट तक, फिर इसको अच्छी तरह भूनिए। और खोए का इस्तेमाल, खोया डालना चाहते हैं तो इसमें खोया भी डालिए, अगर नहीं डालना चाहते तो खोए को स्किप कर दीजिए। और मिक्स तक, और ये बिल्कुल हमारा गाजर का स्वादिष्ट हलवा तैयार हो गया। ये हमने इसे गार्निश कर दिया, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी ये उतना अच्छा लगेगा। आप एक बार इसे जरूर बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।